गाइस, ये चूड़ियाँ देखो, बड़ी सुंदर लग रही थी यार। उस समय अलग अलग थी ना, ये काफ़ी सुंदर लग रही थी मुझे, ये तो मैंने ले ली। कितनी सुंदर लग रही है देखो ना, अलग अलग। इसमें ना ऊपर से लेयर भी गोल्डन के ऐसे करके चमकी अलग है इनकी, बहुत ही सुंदर लग रही थी तो मैंने ले लिए। एक दर्जन मिल गए मुझे 15 रुपये के। राम जी, इसके छोटे छोटे जूते ना, क्या अभी सोई है वरना पता है क्या करती है, इनको ना आज 2-3 दिन से अपने आसपास से इधर उधर ही नहीं होने दे रही है। इतना अच्छा मान रही है ना इन जूतों को, क्या बताऊँ। इसके जूते भी राम जी इतने महंगे, इससे मेरे तो इससे मेरे खुद के बड़े जूते आ जाएंगे इतने में तो। कुछ भी हो, कितनी गर्मी हो, लेकिन मेरी छत में तो छाया ही रहती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग। में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। और गाइस, आज व्लॉग का स्टार्टिंग कर रही हूँ, लेट हो चुका है, 10:30 हो चुका है और धूप लग रही है आज बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह से बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। सो आज मैं आपको ऐसी डेली रूटीन ही दिखा रही थी, तो मैंने कहा आपको छत पे भी ले चलती हूँ। 2-3 दिन से लाई नहीं थी छत पे, तो मैंने कहा चलो छत पे ही लेके चलती हूँ। पहले इसकी जो हरी भरी मतलब टहनियाँ हो रही हैं गाइस, अब इतनी छाया रह रही है ना इसके नीचे, मतलब इतनी गर्मी नहीं होती। मैं इतनी धूप तगड़ी आ रही है उसके बावजूद भी छत पे खड़ी हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा हो रहा है इसके नीचे, तो अच्छा है। कपड़े वपड़े भी सूख गए मेरे, और चलते हैं नीचे गाइस। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आती हूँ गाइस, लगता ही नहीं है। देखो ये भी मुझे लग रहा है, धूप इतनी तगड़ी है आज तो, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ये भी हल्का हल्का मुरझा रहे हैं 2-3 दिन से, ये तो अच्छा हो गया, पर ये ना मुरझा रहे हैं। आप देख लो, मुझे लग रहा है कि ये भी सूख जाएंगे, इतनी तगड़ी है ना, क्या बताओ। कहाँ कहाँ से ये वाली लाई थी, छोटे छोटे दो लगे तो हैं, अब होंगे पता नहीं। ये बीज लेके आई थी बहुत दूर से, अब ये लगते हैं नहीं लगते है, पता नहीं यार, दिमाग ख़राब हो गया। इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, अभी मैंने ये खिड़की के बगल में रखे हुए हैं ऊपर, जीने के बगल में, फिर भी नहीं हो रहे। पता है गाइस, इतना बन गया ये ऊपर को, पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सी डिज़ाइन डालूँ, पर अब आ गई। लेकिन इसमें ना मेहनत थोड़ा ज़्यादा लग रही है, और क्या बोलते हैं, अगर बन जाएगा ना प्रॉपर तो मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी। आप देख लो, इस तरीके से मुझे बनाना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, और वाले मतलब डिजाइन से इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रही है मुझे, लेकिन ये बनेगा अच्छा। इतना बन गया मेरा छोटा सा बैग ही पर्स बना रही हूँ मैं इसको, अभी तो पर्स का ही सोच रहा है। ऊपर के ही पता चला कि बड़ा कुछ और चीज़ बन गया, वो बात अलग है। ठीक है, पर डिजाइन कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना। ठीक है, ये देखिए, ऐसे 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 और ऐसे। गाइस, आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों का ना दिन का चावल बच चुका है तो रात में अगर उसको खाना है और उसका अच्छा सा स्वाद लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्याज मेरी तरह देख लीजिए आप, प्याज लंबे में भी काट सकते हो, चॉप करके भी काट सकते हो। ठीक है, थोड़ा शिमला मिर्च मैंने नहीं मिलाई, आप शिमला मिर्च भी उसमें ऐड कर लो, थोड़ा हल्का मैगी मसाला ऐड कर लो, और उसमें चिली सॉस ऐड कर लो, चिली टमाटो वाला। ठीक है, अगर वो नहीं है तो नॉर्मल सा भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इस चावल को ना इसमें अच्छे से फ्राई कर लो, जैसे मैंने कर दिया, सारे मसाले इसमें मिला के, और इसको इसमें मिला दिया चावल को अच्छे से बस, और जो इसका स्वाद आएगा ना गाइस खाने में, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्वाद आता है ना गाइस, लाजवाब आता है, वाओ,